सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे साध्वी यौन शोषण मामले में भले ही फैसला 25 अगस्त को आना है, मगर बाबा के समर्थकों का हुजूम पंचकुला में लगातार बढ़ता जा रहा है। एजेंसियों की सतर्कता के बावजूद भी भारी तादाद में समर्थक विभिन्न राज्यों से पंचकुला पहुँच रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और हरियाणा के साथ लगने वाले राज्यों के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पंचकुला में सभी जगहों पर नाके लगाए गए हैं और बिना चेकिंग के किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 16 स्टेडियम को टेम्परेरी जेल भी सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो कल से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से फैसले से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। वहीं हरियाणा डीजीपी की तरफ से स्वयं सड़कों पर उतर कर सुरक्षा के प्रबंधकों का जायजा लिया गया। देखिए, केंद्र से हमने कल 115 और कंपनियों की डिमांड भेजी है, तो उसके बारे में केंद्र सरकार से जो भी रिप्लाई आना है उसके बारे में बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि कुछ हमें कंपनियां वहां से और मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा हमने जितने भी अपने पुलिस फोर्स है, जो छुट्टी गए हुए थे, उनकी छुट्टियां कैंसिल की हैं। और इसके साथ ही राज्य में जितने भी होमगार्ड्स हैं उनको भी हम कॉल आउट कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारे पास इस समय पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध है। मुख्य जो हमारा स्ट्रेस है वो आइडेंटिफिकेशन है, जो भी शरारती तत्व हैं उनके लिए अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से हम ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके और उनके प्रीएम्प्टिव अरेस्ट के हमने आदेश दे दिए हैं। जहां जहां पे नाकाबंदी हो रही है वहां पे हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। खासतौर पे जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको सील कर दिया गया है। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट व्हीकल की जो उसको अच्छी तरह से इंटरसेप्ट करके उसकी चेकिंग की जा रही है। सभी जगह पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स तैनात हो गए हैं। कुछ जिलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की एडिशनल आवश्यकता थी तो आज ही उनकी एडिशनल सेंक्शन जारी की जा रही है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग चल रही है। सभी जिलों में पुलिस लाइन्स में मॉक ड्रिल्स चल रही हैं और पूरी की पूरी फोर्स को किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे तैयार किया जा रहा है। हमने जगह जगह पे एडिशनल क्रेन्स की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, फायर ब्रिगेड्स की व्यवस्था की है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी हैं वो सभी कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं।